देखिए कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो हर साल कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे गेट का एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज हर साल होता है, वैसे ही बार का रिक्रूटमेंट भी हर साल करवाया जाता है। इसरो का एग्जामिनेशन हर साल होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल अपनी वैकेंसीज लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी ये नहीं पता, तो ये एग्ज़ाम्स पीरियोडिकली कंडक्ट करवाए जाते हैं। यानी कि दो कैटेगरी ऑफ एग्ज़ाम्स हुए, एक जो हर साल अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, दूसरा जो पीरियोडिकली अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है। तो बार के एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर साल अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। अब जनरली क्या होता है कि बार्क में जाने के आपके पास दो रास्ते होते हैं। सपोज़ आपने फेब 2025 में गेट का एग्जामिनेशन दिया, गेट का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो गया, तो आप डायरेक्टली ना उस गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू भी बार्क में अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, फिर इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो या नहीं हो। सेकेंडली, कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका शायद गेट का एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं जाएगा, या फिर उनको लग रहा होगा कि मेरा जो स्कोर कार्ड है इससे शायद मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, तो बार्क उन लोगों के लिए एक अलग से एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करिए, रिटन एग्जाम दीजिए, रिटन एग्जामिनेशन के बाद मेरिट में आइए, फिर उसके बाद वापस से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर गेट का एग्जाम देने के क्या फ़ायदे हैं, तो गेट का एग्जाम देने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप गेट का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा फायदा यह है कि गेट के एग्जाम तक जो आपकी तैयारी हो चुकी है, जो सब्जेक्ट्स आप पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो, उसके बेसिस पर आने वाले जितने भी पीएससी उसके एग्जामिनेशन वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और सबसे अगर आप क्लोजेस्ट देखोगे तो गेट के एग्जाम के जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम होता है वो बार का एग्जाम होता है। सिलेबस 99% के आसपास कॉमन होता है। फेब में आप गेट का एग्जाम दे चुके हो तो लगभग लगभग रिदम में मोमेंटम में आपकी तैयारी होती है। एक दो महीने बाद यानी अप्रैल वगैरह में बार का एग्जाम हो जाता है, तो बार का एग्जाम दे के आप फिर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। अभी हाल फिलहाल में बार का रिजल्ट भी आया, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये सेशन लेने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? असल में इस सेशन में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ। एक अच्छी न्यूज़ आई है बार की तरफ से, जो न्यूज़ सुन के शायद जो लोग गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। आपकी तैयारी में थोड़ा सा ये न्यूज़ एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए। आप लोग को थोड़ा सा और अपनी रिदम पकड़ के अच्छे से तैयारी को पेसअप कर लेना चाहिए। हालाँकि ये न्यूज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट उन लोगों के पास है जो गेट 2024 का एग्ज़ाम दे के या बार 2024 का एग्ज़ाम दे के ऑलरेडी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी अभी भी जस्ट बार्क में ज्वाइन किए उनके लिए क्या न्यूज़ है, और जो गेट 25 देखे या फिर बार 25 देखे वापस से बार्क में जाएंगे उनको ये न्यूज़ किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। तो देखिए सबसे पहले न्यूज़ क्या है। देखिए असल में क्या होता था, समझिए कि आज से पहले जब भी आप जैसे बार्क को ज्वाइन करते हो ना, तो जनरली बार्क में क्या होता है दो तरीके के आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप दो तरीके की सर्विसेज बार्क में जाके चूज़ कर सकते हो। उसके बारे में कभी नोटिफिकेशन को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे आप जाओगे बार्क में तो आपका कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जनरली 3 to 4 months की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग में आपको क्या है कि एज ए स्टाइपेंड 55,000 rupees पहले दिए जाते थे, है ना। हालांकि ये जो स्टाइपेंड है ये आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ा भी दिया जाता था, बट ये सबका नहीं बढ़ता था। जिन लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस होती थी हो सकता था उनका 55,000 से बढ़ा के थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर दिया जाता था, बट अभी मोटा मोटा मान के चलते हैं कि जनरली अगर हम बार को ज्वाइन करते हैं तो अंडर ट्रेनिंग हम लोगों को 55,000 दिया जाता पर मंथ। बट अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो जो बच्चे 2024 बार्क में सेलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह सब निकाल चुके हैं, उनके लिए भाई साहब ये स्टाइपेंड बढ़ा के कर दिया गया 74,000 पर मंथ, है ना। यानी कि जो आपका स्टाइपेंड है उसी में 19,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी समझिए कि ये पूरी की पूरी बॉडी है जो कि रिसर्च वगैरह में हम लोगों को मोटिवेट करना चाहती है, अपकमिंग इंजीनियर्स को मोटिवेट करना चाहती है कि आप ज्वाइन करिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, तो उनके लिए उन सारे बच्चों के लिए काफ़ी एक मोटिवेटिंग फैक्टर कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग में 74,000 rupees पर मंथ आपको मिल जाएंगे। हालांकि इसमें से कुछ डिडक्शंस वगैरह भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 74,000 आपको डायरेक्टली इन हैंड मिल जाएंगे, वो डिडक्शंस वगैरह भी होते हैं कुछ 10-12,000 रुपये के आसपास, बट ठीक है, ऑल इन ऑल आप मान सकते हो कि 74,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएगा। तो अगर आप गेट 2025 के थ्रू या फिर बार 2025 के थ्रू बार ज्वाइन करते हो तो आपका ये स्टाइपेंड अब 74,000 आप लोगों को मिल जाएगा ट्रेनिंग के दौरान ही। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, जब आप ज्वाइन करने जाओगे, तो करीबन आप लोगों को जो इन हैंड उसके बाद जो सैलरी मिलती थी, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसके बेसिस पर अगर मैं बताऊं तो करीबन 1,20,000 के आसपास आपको मिलती थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपका DA हो गया, HRA हो गया, TA हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती थी, और जो आपका TA वगैरह होता था मुंबई रेट के हिसाब से होता था। तो ये कभी आपको अलग से मैं डिकोड करके बताऊंगा जब बार 25 का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस टाइम पर मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा कि इसका ब्रेकअप कैसे होता है। जो 1,20,000 होता है उसमें कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ पे कटता है, कितना इन हैंड आपको मिलेगा, वो तो एक सेपरेट इशू है। बट अभी के लिए
जो गेट 2025 के थ्रू बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये एक अच्छी खबर है, आप लोग और मन लगा के और अच्छे से अपनी जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। अगर आपको ये जॉब पसंद है तो बिल्कुल डेडिकेशन से काम कीजिए। और जो लोग गेट 25 दे के या बार 25 दे के सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो है ही है कि यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सरकार सोच रही है आपके बारे में, आपका ध्यान रख रही है। और सबको पता है कि यार इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं पर सिर्फ बार्क में ही नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन हमारे अराउंड है हर जगह पे एटलीस्ट ये इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए, जो सैलरी वाला इंक्रीमेंट है। ठीक है, बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ पे भी, वहाँ पे तो खैर आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलता ही मिलता है जो आप लोग IIT से एमटेक करते हो। अभी मैं आप लोगों के लिए VLSI का सेशन भी बनाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने अच्छे पैकेजेस आप लोगों को VLSI के थ्रू देखने को मिले। ठीक है, तो बस इतनी खबर थी, आई थिंक यहीं पे सेशन मैं क्लोज करता हूँ। तो जाते आते जस्ट मैं समराइज़ कर देता हूँ कि जो पहले स्टाइपेंड 55,000 था वो आप लोगों के लिए भी 74,000 कर दिया गया है। तो अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा और पुश करो अपने आप को। ठीक है, कुछ परसेंटेज और बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जो इस खबर को सुन के थोड़ा सा उनके अंदर जो तैयारी को लेके मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं मानूंगा कि मेरा फुलफिल हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी यार जो लोग अभी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लो, 9999 आप लोगों के लिए कर दिया गया अमाउंट। ठीक है, अभी देखिए आप लोगों को बताइए कि ईसी के सारे कोर सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे EDC हो गया, EMFT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन तीनों का कॉम्बो आपको मिलने वाला है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी परचेज करने चाहोगे ना तो आपको 3,000 रुपये सब्जेक्ट वाइज कोर्स में सिर्फ तीन सब्जेक्ट मिलेगा, जबकि यहाँ पे 9999 में आप मेरे सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हो। इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका कंट्रोल हो गया, नेटवर्क हो गया, सिग्नल्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका EMFT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एनालॉग भी मैंने इस बार आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसके साथ साथ EDC भी आपका अपकमिंग में आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कम्युनिकेशन तो आपको बता ही दिया, तो आप सारे सब्जेक्ट इसमें आके एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सारा जोड़ोगे तो 1,000 रुपये के आसपास भी पर कोर्स की आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। और इन सारे कोर्सेज की आपको ना प्रॉपर प्रॉपर कोर्सेज मिलेंगे, प्रॉपर DPPs, DPPs का सॉल्यूशन सब कुछ सिस्टमेटिकली मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करके रखा हुआ, आपको बस आके इसको अच्छे से कवर करना है। कोड यार आप लोगों को पता ही है, अनअकैडमी प्लस पे अगर आपको आना है तो ये कोड लगाकर भाई आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो। याद रखना जब ये कोड लगाओगे ना तभी आपको ये 9999 वाला ऑफर दिखेगा, अदरवाइज फिर ये ऑफर आपको दिखेगा नहीं यार। ठीक है, तो ये कोड आप लगा के ज्वाइन कर लो अनअकैडमी प्लस, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, 21st से आपके नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो लोग 25 की तैयारी करना चाह रहे हो 9999, और जो लोग 25 के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो ना वो 15999 में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें कंट्रोल सिस्टम और जनरल एप्टीट्यूड आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। प्रतिष्ठा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से, जो 25 को तैयारी कर रहे हैं। शिखर बैच आपका स्टार्ट हो रहा है जो 26 को एम कर रहे हैं। 25 बैच प्रतिष्ठा EC वालों के लिए, शिखर बैच 26 EC वालों के लिए स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जो आप दे सकते हो 21 जुलाई को सुबह 11 बजे। ठीक है, बाकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सारी किताबों की हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुँचा दी जाती है। यार जो रैंकर्स हैं वो तो सबसे बड़ा सबूत है कि किस लेवल की टीचिंग अनअकैडमी में भी आप लोगों के लिए की जा रही है, कितने डेडिकेशन के साथ। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन अनदर वीडियो।